हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बताइए यार, कल की क्लास कैसी थी यार आप सभी की? क्लास ठीक थी? मजा आया? तो उसी क्लास के ऊपर जितना भी हमने पिछले क्लास में कंटेंट कराया था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज? 8.1, बुक है एनसीईआरटी वाली। अच्छा, 8.1 करा दें, करें स्टार्ट। चलो करते हैं यार। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट अ बी एंड ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन। डिटरमाइन क्या करना है? साइन एंड कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी, ये निकालना है। अच्छा, पहले एक बात बताना यार, इसमें ट्रायंगल के बारे में चर्चा की है, ट्रायंगल भी दिया नहीं है कि कौन सा है, लेकिन उसमें एक बात कही है कि उसके बी पॉइंट पर राइट एंगल है। इतना तो बहुत है सर, बोल तो दिया पूरा ट्रायंगल उसने, और क्या बोले कि ये बोल दे कि हाँ राइट एंगल ट्रेंगल ही बनाओ, वो सब कुछ करो, और ये सब कुछ दे दिया। कुछ तो हमें भी करना है ना, हम किस लिए हैं फिर यहाँ पर? सुनो, यानी उसने कहा कि एक ट्रेंगल है जिसमें बी वाले पर राइट एंगल दिया हुआ है, बी पॉइंट पर। तो ये क्या हो गया हमारा? राइट एंगल। और ट्रेंगल कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी हो गया? हाइपोटेनस, बेस। और उसका भी हमें पता नहीं है कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर, वो है परपेंडिकुलर है। चलो अभी ध्यान देना, उसने कहा अच्छा ट्रायंगल तो ए बी सी है, तो फिर ए पॉइंट यहाँ ले लो, सी पॉइंट आपको यहाँ ले लो, क्या दिक्कत है? कोनो प्रॉब्लम है का? नहीं है। चलें, अच्छा अब सुनना, ए बी की वैल्यू उसने ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी दी है? बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अच्छा फाइंड करवा रहा है, पहले क्वेश्चन में कहा उसने साइन ए एंड कॉस ए, सेकेंड क्वेश्चन में साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप डर रहे हो ना, आपका फोबिया है, आज निकाल दूंगा। जो कुछ कल थोड़ा बहुत बच गया था ना, वो आज खत्म है। इसे सोचने से पहले बिल्कुल भूल जाओ यार, कुछ है भी पहले इसमें देखो मेरे पास है क्या। शायद ये बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है परपेंडिकुलर, लेकिन ये वाली साइड अभी मिसिंग है। पहले मिसिंग साइड को निकालो यार, ये क्या है मिसिंग साइड की? तो कंफर्म है ना कि तो हाइपोटेनियस है। अगर मैं हाइपोटेनियस यानी ए सी का स्क्वेयर लूँ तो बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर के इक्वल होगा, ये तो श्योरिटी है। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितना है? बी सी की 7, 7, 7 स्क्वेयर प्लस 24 का स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो गया? 7 का स्क्वेयर 49 और 24 का स्क्वेयर 576। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? ए सी स्क्वेयर इक्वल टू 625। तो ए सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी इन अंडर रूट 625, तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? 25। अरे वाह, ये निकला है 25 सेंटीमीटर। अब पूछो क्या निकालना है, अब निकालते हैं, अब तोड़ दें क्वेश्चन की गर्दन को। पहला पूछा हमने साइन ए, साइन ए सर कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कल कुछ फॉर्मूला लिखाया था ये वाला यार, कितना इजी फॉर्मूला था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। हाँ देख कर ही ना पाकिस्तान को देखकर वार्मी वाली फीलिंग आने लगती है यार, क्या पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन, ये तो सबने लिख रखा है यार। तो पी कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यार उसने कहा है ये दिया है साइन ए। मैंने कल की क्लास में बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये अपने एक एंगल के साथ चलते हैं, किसके साथ चलते हैं? अपने एक एंगल। यहाँ एंगल कौन सा दिया है? ए। कौन सा एंगल दे दिया यहाँ पर? और भी मार्कर हैं हमारे पास, यूज करते हैं उनका भी। कौन सा एंगल हो गया? ए सर, ए एंगल, यानी हमें ए एंगल को देखकर चलना है। तो ए के हिसाब से तो सर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये फिर साइड वाला बेस हो गया। हाँ जी, यही कहने वाला था मैं भी। तो साइन ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए की जो वैल्यू निकल कर आ गई, बी सी की वैल्यू कितनी? 7 सेंटीमीटर। 7 अपॉन ए सी की वैल्यू कितना? 25। 7 अपॉन 25, ये मैंने निकाल दिया। तो क्लास वर्क आपको भी मिलेगा, क्योंकि हम जो स्टडी कराएंगे ना इस वे में कराएंगे जैसे आपके यार ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग। और बोर्ड की टेंशन मत लेना, डिजिटल में खुद बना दूंगा यार इसे। तो फिर कॉस सी आपको निकालना है, सॉरी कॉस ए आपको निकालना है, ऐसे कितना? कॉस ए आपको निकालना है, ये आपके लिए वर्क है।
अगर साइन है पक्का समझ में आया तो कॉस आप निकाल दोगे, कॉस आप निकाल दोगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइन सी के बारे में, साइन सी के बारे में। सी सर इस बार तो आपने सी लिख दिया, तो एंगल इस बार हम किसको देखेंगे, सी वाले भाई साहब को देखेंगे। सर जैसे ही मैं सी वाले एंगल को देखना स्टार्ट करता हूँ तो सी के सामने वाली साइड ये होगी, तो ये कौन सी होगी आपके हमारे पास परपेंडिकुलर, और सी के जस्ट नीचे वाली कौन सी होगी, ये होगी हमारे पास बेस। तो साइन को तो फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा इस बार ए बी, बट हाइपोटेनस कितना ए सी, ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25, तो ये निकले आपका साइन सी की वैल्यू। किसकी, साइन सी की वैल्यू देखना, इक्वल पिक्वल कहीं लग जाते हैं मेरे पास। कितना आसान क्वेश्चन है यार, तो क्लास और आपके लिए भी, तो आपको यहाँ पर कॉस सी निकालना है। और ये भी सुनना, अगर किसी पर भी ये क्वेश्चन ना हो रहे हो ना तो ये मेरा फोन नंबर है, नोट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी अपना डाउट भेज सकता है, या फिर आप सर से नंबर मांग लेना, उनके पर भेज देना, देखेंगे हम दोनों ही। क्लियर बताइए पहले क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। अरे क्यों नहीं होगा यार, करा तो मैं रहा हूँ ना, क्वेश्चन तो क्लियर ऑटोमेटिक होगा। और ये क्वेश्चंस क्या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप नोट डाउन करोगे, नोट डाउन में तो बहुत टाइम बाद में, आराम से नोट डाउन कीजिए, या वीडियो को बार बार पॉज कर कर देख लेना, पॉज करो चलाओ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर 8.13 10 पी माइनस क्वार्टर, अच्छा फाइंड 10 पी माइनस क्वार्टर, एक ही हमारे लिए फिगर दिया हुआ है, ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, यही फिगर है ना, यही फिगर है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और ये फाइंड करवा रहा है 10 पी माइनस कॉट आर। हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट हम इसकी वैल्यू निकाले, इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पहले हम ऐसे ही करते हैं, बाद में वैल्यू पहले रखकर आप निकाल लेना। अगर मैं आपसे tan p की वैल्यू पूछूं, p tan p सर ये तो 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, tan p को लेकर ये भाई साहब हमारा परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला बेस, तो मैं कह सकता हूँ tan p की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होती है तो सबको पता है भाई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है QR, तो tan p की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई QR अपॉन बेस, कितना बेस है हमारा भाई साहब 12 लिख लो या PQ लिख लो, बात एक ही है, माइनस cot R निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं cot R, तो सर हम R वाले एंगल को देखेंगे और R वाले एंगल को जब देखेंगे तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और जब हम cot का फॉर्मूला लिखेंगे तो cot इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना QR, परपेंडिकुलर कितना PR, तो भाई साहब QR माइनस ये तो सेम है, सेम में सेम घटाएंगे कितना आएगा 0। आप क्वेश्चन को बेकार में ही बड़ा करेंगे कि पहले इसे निकालोगे बाद में वैल्यू निकालोगे, इससे तो अच्छा डायरेक्ट मार दो ना, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, नहीं है मेरे पास तब तो, अगर अलग वैल्यू ही पूछे स्पेशली तब हम इसे निकाल दें, कोई प्रॉब्लम आपकी इच्छा यार, आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था पहले इसकी वैल्यू निकाल लेना फिर बाद में करते हैं। अच्छा तो ये बताइए वीडियो अच्छी लग रही है ना, अरे बता दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, एक बार वीडियो चेक कर लूँ आपको विजिबल भी है या नहीं। हाँ शायद थोड़ा सा बच गया 10 वाला हिस्सा, विजिबल तो है ना वैसे, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इज इक्वल टू 3/4 और फाइंड करना है हमें cos A and tan A। फॉर्मूला से कराऊं या इससे, दोनों से कराए दे रहा हूँ यार, दोनों से बोलो सर, दो दो तरीके, अरे तीन तीन भी हैं यार मेरे पास, चार चार भी हैं इसके, लेकिन हम कराएंगे ओनली तुम्हें दो ही, ठीक है आपके हिसाब से। तो पहले साइन ए निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं साइन ए, पहले हमारा बेसिक जो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकालते हैं साइन ए, वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू, साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों की मैं अगर कंपैरिजन कर दूं तो पी की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 3 एंड एच की वैल्यू 4, ये तो निकल गया। सर एक चीज मिसिंग है, अगर मुझे कॉस निकलना है तो बेस मुझे चाहिए, तो
तो बेस इज इक्वल टू क्या, तो बेस निकाल लो पहले, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आ गई 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 16 और 3 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर इसके रूट में चेंज होगा तो ये आ गई बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू, किसकी, बेस की वैल्यू। बेस निकलते ही आपको आया आना चाहिए कॉस निकालना, कॉस ए, सर कॉस किसके इक्वल हो गया, कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कॉस ए की जो वैल्यू निकल कर आ गई, बेस की वैल्यू कितनी रूट सेवन, हाइपोटेनियस कितना आपका 4, ये रहा ना, उठा कर यहाँ रख दिया, फिर 10 आप निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग चल रहा हूँ। मैंने एक आपको फॉर्मूला कराया था कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, लेकिन ये थीटा की जगह कितना है, सॉरी एक सेकंड, थीटा की जगह पर यहाँ कितना है a, कितना है a, तो यहाँ थीटा की जगह आप a पुट कर दो, a पुट कर दो, a पुट कर दो, तो tan a इज इक्वल टू sin a की वैल्यू कितनी, sin a की वैल्यू सर कहाँ गई, sin a ये गई 3/4, cos a की वैल्यू कितनी √7/4, √7/4 देखो 4 से 4 खत्म, ये कहाँ आ गए भाई साहब यहाँ पर, तो भाई साहब tan a की वैल्यू निकल कर आ गई 3/√7, क्लियर। देखो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो यार, पहले बताना ये वाला मेथड समझ में आया, अब इसके बाद हम फॉर्मूलों को यूज करते हैं जो अभी तक हमने फॉर्मूले लिखे थे उस दिन, 1-1 वाले तीन फॉर्मूले लिखे थे ना, एक फॉर्मूला मैंने ये लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैंने कहा था थीटा कुछ भी हो सकता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, लेकिन बस आते हैं सेम होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ थीटा ना होकर कितना है ए दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर मेरे को कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर ए, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी, साइन ए की है 3/4, लेकिन ये स्क्वायर है तो पूरे पर हम भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, हम कौन से कम खाते हैं, तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9/16, यहाँ 1 मान लो, तो कॉस स्क्वायर ए की एलसीएम आया 16, 1 16 का डिवाइड 16 बार, 16 के मल्टीप्लाई ऊपर 16 1 1 1 के मल्टीप्लाई ऊपर, तो 9 ही रह गया, तो यहाँ से जो भाई साहब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई 16 माइनस 9 हो गया 7/16, क्लियर। लेकिन निकालनी हमें किसकी वैल्यू है, ओनली कॉस की, तो भाई साहब स्क्वायर हटके किस में चेंज होगा, स्क्वायर रूट में 7/16, तो कॉस ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी रूट 7 तो सेम रह गया, लेकिन 16 का कितना होगा 4, यही तो निकाली थी हमने यार कुछ देर पहले, टेन आप निकाल लेना, टेन आप निकाल लेना, बताइए क्लास समझ में आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री से डर थोड़ा बहुत खत्म हो रहा है ये ध्यान रखना, देखो फ्री तो हम आपको संडे भी नहीं रहने देंगे, क्लासेस संडे भी चलेंगी, फुल भाई साहब फुल वीक क्लास चलेंगी, बस अभी थोड़ा मेरे एक दो एग्जाम्स हैं उन्हें खत्म करने के बाद आपके फुल बिल्कुल क्लासेस डेली रेगुलर अब चलिएगा, अब देखना थोड़ा नोट डाउन, अगर आपको करना होता है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, या फिर सेकंड मेथड है आपके पास थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot is equal to 8 then find sin a and sec a, sin a and sec a, 15 cot a cot is equal to 8 और find क्या करना है, find करना है sin a and sec a, sin a is equal to what एंड sec a इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। सर क्वेश्चन तो देखने में कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, क्या करा जाए, क्या माने कुछ नहीं मानोगे, बस मुझे देखो ये 15 किस में यार मल्टीप्लाई में इन टू में cot के, मेरे को तो ओनली cot की वैल्यू चाहिए, किसकी cot की, तो cot a की वैल्यू में जैसे ही निकालता हूँ तो 15 का पचास का अपॉन में ये हो गया 8/15। सर अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, cot को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं We know that cot A is equal to base upon perpendicular. Base की वैल्यू कितनी 8, perpendicular की वैल्यू कितनी
हम हाइपोटेन्यूस निकालना है, जैसे हाइपोटेन्यूस निकलेगा फिर आप साइन की वैल्यू निकालोगे, साइन किसके इक्वल होगा, साइन होगा भाई सब बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अच्छा एच की वैल्यू निकालना और ये वैल्यू यहाँ पुट करना, ये आपका क्लास वर्क, वर्क तो आपको देखो करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं अगले क्वेश्चन आपको कराए जा रहा हूँ, आप कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आप करके देखोगे आपकी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछो। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने अपना नंबर दिया था, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए दिन रात कभी भी, मैं आपका एक दिन में रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ये ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो यार, कैसा भी डाउट हो आपको मैथ से रिलेटेड, ये नहीं कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है बस ट्रिग्नोमेट्री के डाउट बताएंगे, अरे किसी का भी हो यार, बस आपकी क्लास का हो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप करके लाओगे। अगला क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी मेथड पर है, उसने कहा है sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी sec थीटा दिया हुआ है, वो पूछना चाह रहा है आपसे साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको फाइंड करनी है सर। इतने आसान क्वेश्चन है, यहाँ के बाद हम चलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार आपका, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ प्लीज़ आप भी वो साइड वाला जो घंटे वाले जो बटन है उसको भी दबा देना, वो आइकन रेड आइकन जो है।